मोडिफिकेशन की गई है इसके अंदर। वो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आपकी हेडलाइट का कवर है जो इसके अंदर लगा दिया गया, ये आपका लगा येलो कलर का, जिससे लुक तो काफ़ी इनहेंस होती होती है। साथ में इसका जो लाइट का कलर ना वो भी आपको होता है येलो, जो कि बहुत तेज़ रोशनी होती है येलो लगने के बाद। तो देख सकते हो प्रॉपर फिटमेंट है, कोई जुगाड़ नहीं है। इसके अंदर आपका स्मोक मिल जाएगा, ट्रांसमिट मिल जाएगा, बहुत सारे कलर इसके अंदर आते हैं, अगर कोई भी चाहिए तो वो भी हम आपको दे देंगे। साथ में इसमें लगा देगा वाइजर, जो कि इंटरसेप्टर की फिटिंग है, जर्मन फिटिंग में देख सकते हैं आप, प्रॉपर फिटिंग है, कोई जुगाड़ इसके अंदर नहीं है। इसमें पत्ती वाला होता है, बिना पत्ती वाला, बिना पत्ती वाला मिल जाता है अपने पास। और लुक देख दो ब्लैक, इसमें आपको ट्रांसपेरेंट भी हमारे पास मिल जाता है। और साथ में आपको देखने मिलेगी इसके अंदर रेडिएटर गार्ड, जो कि लगा देगा, इससे रेडिएटर वगैरह पूरी तरीके से सेफ, क्योंकि डस्ट जब भी आप गाड़ी राइड करते हैं, राइड करने के बाद क्या होता है, जितना भी आपको पत्थर वगैरह वो सीधा आके लगता है इस पर, होता है रेडिएटर डैमेज। और रेडिएटर डैमेज होने के बाद गाड़ी आपकी होता है ब्लॉक बंद स्टॉप, और उसे स्टॉप करना हो तो समझ लो आप कहीं जा रहे हो लॉन्ग ड्राइव पर, वहाँ पर गाड़ी आपकी बंद हो गई एक रेडिएटर की वजह से, तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो, धक्का मारने लायक गाड़ी नहीं है भाई, 100 सीसी नहीं है, 650 है, तो इसलिए लगाना ज़रूरी है। बाकी नीचे देख सकते हैं समगार्ड, जिससे बहुत सारी डस्ट चिपक रही होगी, ये डस्ट इसलिए है क्योंकि इसकी अंदर इंजन पे नहीं जा रही है, पूरी डस्ट को करता है कंट्रोल। साथ में इसका ऑयल फिल्टर भी होता है पूरी तरीके से सेफ, जो कि इसके अंदर लगा दी है। और ये कंपनी फिटेड लैग गार्ड जो भैया ने लगा रखा है पहले से ही। और बाकी इसके बाद एग्जॉस्ट आपने देख ही लिया, फुल सिस्टम बैंड पाइप आप देख सकते हैं, आगे से पीछे तक पूरा लगा हुआ है। अब मैं सुनाता हूँ एक बार फाइनली इसकी साउंड जो इसमें क्या आ रही है। आप मैंने आपको एक्सेल सुनाया था और ग्राउलर मैंने आपको सुनाया था, अब एक बार फुल दिल सुन लेते हैं फुल में कैसे आती है साउंड इसकी। गजब साउंड है भाई। तो ये है फुल सिस्टम की पावर, के भाई साहब पावर जबरदस्त है, साउंड जबरदस्त है, और समय। और अब मिलवाता हूँ भैया से, जिन भैया की बाइक है उनको हमारा काम कैसा लगा और कैसा नहीं। पहले तो हेलो भैया, एंड हेलो भैया, कैसे हैं आप लोग और आपके बताइए काम वगैरह हमारा कैसा लगा। बहुत बढ़िया काम था भैया, बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिला और काम देख के मजा भी आया, प्रॉपर एकदम अच्छा काम। बंदा डिस्काउंट पहले बोल देता है कस्टमर, शुरू से यहीं पे आते हैं, बहुत टाइम से आ रहे हैं दुकान में, तो अच्छा काम हो रहा है। एमटी में भी बहुत सारी बाइकों पे हमने यहीं पे काम कराया। तो भैया ने मल्टीपल बाइक हमारे पास करा रखी है, भैया ऑल अबाउट सर्टिफाइड हमेशा होते हो, आज ही हमेशा बहुत सारी दुकान है, लेकिन हम इसी पे आते हैं हमेशा, कुछ सोच समझ के आते हो। कितने टाइम से आ रहे हो हमारे पास? 2 साल। तो देखो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, करोल बाग में 2.5 साल से हूँ भैया, 2 साल से आ रहे हैं, तो काम अच्छा मिल रहा है तभी भैया हमारे पास आ रहे हैं। और हमारी इकलौती ऐसी शॉप है जो कि फेमस है हमारे काम की वजह से, ना कि सिर्फ नाम तो हाँ, काम क्यों, काम अच्छा मिलेगा, बंदा सेटिस्फाइड होकर जाएगा तो हमेशा हमारे पास ही बार बार आएगा। जो 2 साल से रहे हैं, अपनी वीडियोज़ और वीडियोज़ अभी आने वाली, जिसमें मैं 15 साल का रिव्यू भी दिखाऊंगा, कस्टमर 15 साल 10 साल पुराने कस्टमर, वो भी मेरे पता, क्योंकि मेरे को हो गए टोटली 25 साल, 25 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है, 2.5 साल मुझे करोल बाग में हो गया है। तो भैया ने बता दिया काम वगैरह कैसा है, और अगर कोई आना चाहे भैया तो आप क्या रिकमेंड करेंगे उसको? हम यही दुकान रिकमेंड करेंगे, क्योंकि सारा करोल बाग में जितना भी काम होता है सबसे बढ़िया, अगर आपको क्वालिटी वर्क चाहिए तो यहीं पर आना चाहिए। सब सेम, आप भी सेम, मतलब खैर जब बुलवा नहीं रहा बता रहा हूँ कि आप भी सेम समझो, कि जब भी आपको आना सीधा ना राजू भाई की शॉप है जो कि SKD के नाम से मिलने वाली है, ओनली फॉर SKD नॉट अदर देन। और ये मेरी शॉप है, मैं ही ऑनर हूँ, मैं ही यूट्यूबर बन गया हूँ यहाँ का, क्योंकि मजबूरी है क्या करूँ, किसी को यूट्यूबर रखा था पर वो धोखा दे के चला गया, और ऐसा फ्रॉड बस पूछ मत छोड़ो, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल बस इतना ही है। जल्दी से जिसने वीडियो देखनी है और भी ज़्यादा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, राजू भाई SKD को, जो कि इंस्टाग्राम और आपको मिलेगी यूट्यूब पर भी सेम। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, जब तक जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।